देखिए, ये दोनों गौरैया के बच्चे हैं, वही बच्चे हैं जो घोंसले में चार मम्मी ने इस साल इनको पैदा किया, उन्हीं में से दो बच्चे बाहर निकल आए हैं। देखिए, वही दोनों बच्चे हैं, दो बच्चे निकल आए हैं, दो अभी घोंसले में हैं, लेकिन इनको खतरा ये है कि बाज कभी भी इनको पकड़ सकता है। यहाँ बाज आ जाता है और ऐसे ही पेड़ पर या ग्रिल पर बैठे रहते हैं, पकड़ लेता है, लेकिन इसका कोई उपचार भी नहीं है। हम हाथ में गुलेल लिए रह जाते हैं और बाज को मारने की कोशिश करते रह जाते हैं, लेकिन तब तक वो ले के भाग चुका होता है। उसका पंख प्रकृति ने इतना साइलेंट बनाया है, इतना आवाज़ रहित बनाया है कि वो बगैर आवाज़ क्या के एकदम बहुत फुर्ती से दबोच लेते हैं एकदम। और जब तक आप सावधान होंगे, चीची चीची की आवाज़ करते हुए वो उड़ चुका होगा। देखिए, ये गौरैया के नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे बरामदे में बैठे हुए हैं और कातर भाव से मुझे देख भी रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की हम बहुत सेवा करते हैं। देखिए, सुबह में उठ करके ही 4 बजे चावल, थोड़ा सा दाल उसमें ज़रा सा डाल दिया, हल्दी और नमक और हल्का सा सरसों का तेल उसमें डाल दिया ताकि चावल चिपकता नहीं है, और इन लोगों के लिए खिचड़ी टाइप का बना दिया, एकदम गलाते नहीं हैं, चावल साबुत ही रहता है, और खूब खाते हैं ये लोग, खूब खाते हैं। अच्छा, हम ये देखते हैं कि दो गौरैयों के बच्चों में वृद्धि की दर अलग अलग होती है। हमारे विचार से जिन बच्चों को माँ खिलाने में तत्परता दिखाती है, ज़्यादा खिलाती है, वो बच्चे बलिष्ठ जल्दी हो जाते हैं और उनकी वृद्धि जल्दी हो जाती है। तो ये देखिए, गौरैया के दो बच्चे हैं नन्हे मुन्ने। हम यही कामना करेंगे कि ये दोनों बच्चे अपना जीवन अपने दुश्मनों बिल्ली और बाज आदि से सुरक्षित पूर्ण जीवन जिए। कुछ लोग, वैज्ञानिकों का मत है कि गौरैया 12 साल जीती है, कुछ लोगों का, वैज्ञानिकों का है, कहीं किताबों में भी आता है कि गौरैया 40 साल जीती है। मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ। हमारा कहने का आशय केवल ये है कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने पूर्ण जीवन को प्राप्त करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और इस पृथ्वी को अपने मधुर गुंजन से गुंजायमान रखें। सभी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, सभी सुखी रहें, सभी संपन्न रहें, सभी खुश रहें। मैं निर्मल कुमार शर्मा, प्रताप विहार, गाजियाबाद से 3/5/2020। नमस्कार।